नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और परीक्षा के दिन नज़दीक आने वाले हैं और धीरे धीरे दिन कम हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रमुख यूनिवर्सिटियों के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, तो उनके संबंधित इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ से भी अक्सर देखा है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा जो हुई थी, वहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जिन पर बच्चों का कभी ध्यान नहीं जाता। तो मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा ओवरव्यू यानी चारों तरफ से जो भी जीके बनती है वह कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जो कोर्स आपको पैसों में देते हैं, हम आपको वह कोर्स फ्री में दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से, बात करते हैं आगे और देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी किस प्रकार की है और कहाँ पर स्थित है। तो इधर मैंने यूनिवर्सिटियों के नाम लिए हैं और इधर स्थान है, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और कहाँ पर स्थित है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप काफी नाम सुन चुके होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में AMU के नाम से भी जाना जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो यह कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? अलीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है। आगे बात करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आगे बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में BHU के नाम से भी जाना जाता है। और यह यूनिवर्सिटी भारत ही नहीं बल्कि विश्व में काफी फेमस है। AMU और BHU दोनों यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो विश्व में काफी फेमस हैं। और यह BHU उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। बात करते हैं राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों रायबरेली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रायबरेली में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यानी आप कहते हैं ना AG, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना AG, यानी AG का मतलब होता है एग्रीकल्चर। तो कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? झांसी में स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए वीडियो के माध्यम से। और यूपी पुलिस की परीक्षा आ रही है, आप धीरे धीरे तैयारी करते जाइए। 6 महीने कोई ज्यादा टाइम नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है कभी भी आपसे परीक्षा करवा सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, साथ में आप जो है शारीरिक दक्षता जो है पूरी करनी होती है, वह भी करते रहें। क्योंकि हो सकता है इस बार आयोग जो है सबसे पहले शारीरिक दक्षता को करवाए कंप्लीट, उसके बाद आपको एग्जाम करवाए। ठीक है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। आगे बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी यानी उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी हैं, यानी जिन्हें स्टेट का दर्जा दिया गया है, उन यूनिवर्सिटियों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी पहले जो हमने पढ़ी हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, इसमें अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित यानी उत्तर प्रदेश की जो खुद की यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, उन्हें बात करेंगे। यानी इसमें जो हस्तक्षेप है वो उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी आपकी फैजाबाद में स्थित है। और फैजाबाद अयोध्या के पास में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बात करते हैं बांदा कृषि प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी। तो मेरे प्यारे दोस्तों बांदा इसमें शुरू में ही नाम आ गया, आपको वहां से ये नहीं पूछेगा। तो कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? नीचे ऑप्शन बना के दे देगा, बांदा, फैजाबाद, ठीक है, लखनऊ। तो आपको ऑप्शन कौन सा चुनना है? बांदा। आगे बात करते हैं भातखंडे यूनिवर्सिटी यानी भातखंडे संस्कृति यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। आगे बात करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वह कहाँ पे स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वह भी झांसी में स्थित है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी। कौन सी? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कानपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कानपुर
कानपुर में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किसको? चौधरी चरण सिंह को। किसको? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना 2024 में, ठीक है। इनके सपुत्र का नाम है दुष्यंत चौधरी, दुष्यंत चौधरी, ठीक है। ये चौधरी जो थे जाटों के नेता जाने जाते, जाटों के नेता के रूप में जाने जाते थे, तो इन्हीं के नाम पे यह यूनिवर्सिटी पड़ी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी मेरठ यानी उत्तर प्रदेश का एक मंडल जिसका नाम मेरठ, मेरठ में स्थित है, ठीक है। आगे बात करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, आपकी कानपुर में स्थित है। आगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, आपकी गोरखपुर में स्थित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी यूनिवर्सिटी लखनऊ में, एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक होने के साथ साथ वह भारत के यशस्वी राष्ट्रपति भी बने, ठीक है, जिनको पूरा भारत ही नहीं पूरा बल्कि देश इनके बारे में जानता है, क्योंकि बहुत अच्छे तकनीकी ज्ञाता थे और भारत की हर यूथ के ये आइकन भी हैं, ठीक है। इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल फाकिर जैनुल आबदीन इनका पूरा नाम था, अब्दुल फाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल फाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ठीक है। यूनिवर्सिटी कहाँ भेजते थे? लखनऊ। आगे बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी को आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, अवध, अवध क्षेत्र नाम आ गया तो इसका मतलब हो गया फैजाबाद, कहां पे हो गया? फैजाबाद, अयोध्या के निकट। अवध यानी अवधि, अवध से एक अवधि भाषा भी होती है, कौन सी होती है? अवधि भाषा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो लखनऊ के आसपास जो भाषा बोली जाती है वह अवधि भाषा, यानी अयोध्या के आसपास जो भाषा है वह क्या बोली जाती है? अवधि भाषा बोली जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, तो यह मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी, तो यह भी लखनऊ में स्थित है। डीएसएम नेशनल रिहैबिलिटाइजेशन यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, तो मेरे प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो स्थित है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में आपकी यह यूनिवर्सिटी स्थित है। बुद्ध से थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। बुद्ध ने प्रथम जो अपना उपदेश दिया था वो मेरे प्यारे दोस्तों सारनाथ में दिया था, और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे, और श्रावस्ती को गुंडों का जिला जाना जाता है। और मेरे प्यारे बेटे, आज की डेट में अभी भी वहाँ साक्षरता दर जो है सबसे कम है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला श्रावस्ती जिसकी साक्षरता सबसे कम है, ठीक है। और एक स्थान और आ जाता है गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ यानी कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको मेरे प्यारे दोस्तों। हरकोर्ट बटलर तकनीकी यूनिवर्सिटी, तो हरकोर्ट बटलर तकनीकी यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, और कानपुर को क्या जाना जाता है? लेदर हब इंडस्ट्री एरिया। जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी आपके बलिया में स्थित है, और बलिया कौन सा स्थान है? पूर्वी, उत्तर प्रदेश का पूर्वी स्थान कौन सा है? बलिया, ठीक है। आगे बात करेंगे ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। बात करते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में, और मेरे प्यारे दोस्तों माँ शाकुंभरी के नाम से एक मेला भी लगता है, क्या लगता है? मेला, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है,
काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पे स्थित है, हैं? तो यह भी वाराणसी में स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से हमारा भी मोटिवेट हो कर रहे हैं आप, और जिससे कि और भी अच्छे अच्छे हम वीडियो बना के लाएं आपके लिए। एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो है आपकी मेरे प्यारे बच्चों, वो बरेली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बरेली में। आगे बात करते हैं, राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, पूर्व में इसका जो नाम था इलाहाबाद राज्य यूनिवर्सिटी, इसके नाम से जाना जाता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। आगे बात करते हैं, राजा बलवंत सिंह कॉलेज, यह कॉलेज है लेकिन है यूनिवर्सिटी। क्या है? यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। तो कहाँ पे है? बिचपुरी में। आगे बात करते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य यूनिवर्सिटी, तो मेरे प्यारे दोस्तों अलीगढ़ में स्थित है। पहले एक अलीगढ़ में एएमयू थी, उसके बाद एक नई यूनिवर्सिटी जिसका शिलान्यास उत्तर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा दिया है। अगला, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो वाराणसी है ना, संस्कृत का हब भी मानते हैं, ध्यान रखना इसको, संस्कृत का हब, ठीक है। ये इसीलिए जो है, इसकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, तो मेरे प्यारे दोस्तों यह यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के एक मेरठ जिले में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी यानी सिद्धार्थ नगर में। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान यूनिवर्सिटी एवं गौ अनुसंधान संस्थान, तो मेरे प्यारे दोस्तों यह भी उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, यानी ओपन की यानी डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप अपने यहाँ से डिग्री ले सकते हैं, बट कुछ कारणों से कहीं कहीं इसकी डिग्री जो वैलिड है, कहीं कहीं इसकी डिग्री वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यह इलाहाबाद में स्थित है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो मेरे प्यारे दोस्तों लखनऊ में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? जो कि सैफई यानी इटावा में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जान मानी हुई यूनिवर्सिटी है, और यह जौनपुर में कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब कुछ यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यानी उत्तर प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यानी आप भी रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आप भी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। तो वह यूनिवर्सिटी पर्सनल जिसको आप देख रहे हैं, यानी आपके माध्यम से, यानी आपका मैनेजमेंट, उस का मैनेजमेंट जो आप देखेंगे, वह यूनिवर्सिटी क्या कहलाएगी? प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहलाएगी। तो देखते हैं, जैसे एमईटी यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, तो नोएडा में स्थित है। तो यह एक ऐसी संस्था है, यानी प्राइवेट संस्था है, ठीक है। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बरेली में, बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ, और FS यूनिवर्सिटी आपकी सिकोहावा, और GLA यूनिवर्सिटी यानी मथुरा, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी यानी ग्रेटर नोएडा, IFTM यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो मुरादाबाद में स्थित है। IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, IIMT यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इनवर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली, JS यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे स्थित है? तो सिकोहाबाद, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट,
जेपी यूनिवर्सिटी अनुपसर में स्थित है, यानी अनुपसर में, और अनुपसर किसके अंदर आता है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, के एम यानी कृष्ण मोहन यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मथुरा में। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यह यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। ठीक है आगे बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो आपसे पैसे उठाती हैं, इनके फीस चार्जेस सबसे ज्यादा होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी आपकी गोरखपुर में, मेजर एस डी सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़, मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपकी अलीगढ़ में, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आपकी रामपुर, मोनार्ड यूनिवर्सिटी आपकी हापुड़, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, और रामा यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, तो फैजाबाद में स्थित है। आगे बात करते हैं संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा, एस डी जी आई ग्लोबल यूनिवर्सिटी आपकी गाजियाबाद में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखेंगे ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको पता भी नहीं होगी, कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम तो आज मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से, और चैनलों पर भी नहीं बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी चैनल पर नहीं है यह वीडियो इस तरीके की, ये मेरी गारंटी है। मैं वो जी के ला के दूंगा आपको जो किसी चैनल ने आपको नहीं दी है। शारदा यूनिवर्सिटी आपकी ग्रेटर नोएडा, सोवित यूनिवर्सिटी आपकी गंगोह, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी गजरौला, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, तो मेरठ में, तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, और ग्लोकल यूनिवर्सिटी आपकी सहारनपुर, और यूनाइटेड यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है देखेंगे तो कुल मिलाते कितनी है। अब बात कर लेते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो मेरे प्यारे दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी केवल 8 है। तो कौन कौन सी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज वाराणसी में स्थित है, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान आपका आगरा में स्थित है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपकी बरेली में स्थित है, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी कहाँ पे स्थित है, तो नोएडा में स्थित है, नेहरू ग्राम भारती आपकी इलाहाबाद में स्थित है, सैम हाईवटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस आपकी कहाँ पे स्थित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, संतोष मेडिकल कॉलेज काफी अच्छा मतलब फेमस कॉलेज है, तो वह जो है गाजियाबाद में स्थित है। अगला है सोवित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो सोवित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के मंडल मेरठ में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल में स्थित है। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटियों के नाम थे, आपने कई यूनिवर्सिटियों के नाम आज पहली बार सुने होंगे, उत्तर प्रदेश में इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं फिर भी साक्षरता दर नहीं बढ़ रही है, ये तो आप डिसाइड करें। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो थी, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं आपसे दोस्तों जरूर कहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो गुड बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।